अस्सलाम वालेकुम, मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं लाइव विद मुस्कान यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ बहुत ही मज़े की और इजी बनने वाली रेसिपी। आज हम बनाएंगे आलू के कबाब। बहुत ही इजी रेसिपी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमें कबाब बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। एक किलो मैंने आलू लिए। आलू को मैंने उबाइल कर लिए, छिलका मैंने उतार दिया। दो मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, एक बड़े साइज का टमाटर और तीन बड़े सब्ज मिर्च ली। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप सब्ज मिर्च का ना इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चों के लिए फिर बच्चों नहीं पसंद करते सब्ज मिर्च को। टू टेबल स्पून मैंने फ्रेश अदरक ली है, वन टेबल स्पून लाल मिर्च, वन टेबल स्पून नमक, एक हाफ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि अजवाइन का बहुत ही अच्छा जायका होता है। हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। सबसे पहले हम आलू लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से मैश कर लिया आलू, इसे उतार लेंगे, इसे साइड पे रखेंगे। और अब हम इसमें दूसरे मसाले डाल देंगे, प्याज और टमाटर, सब्ज़ मिर्च, प्याज का पेस्ट, सब्ज़ धनिया। अब इसमें दूसरे मसाले, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी। और अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करें। देखिए हमने सारे मसाला अच्छे से मिक्स कर लिए, एक जान कर लिए। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। गोल गोल करेंगे इसे इस तरह, जिस तरह पेड़ा बनाते हैं। और फिर हम इसे अच्छे से प्रेस करेंगे। आप इसे कोई से भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए हमारी कितनी प्यारी ज़बरदस्त कबाब तैयार हो। अब हम इसे रखते जाएंगे इसे। आपने कबाब आलू जो है ज़्यादा गालने नहीं, क्योंकि ज़्यादा गल जाने से आलू फिर कबाब हमारे टूट जाते हैं, टिक्की जो है। तो इस तरह अगर हमारे आलू थोड़े से सख्त होंगे तो फिर इस तरह हमारे कबाब बिल्कुल ठीक थे। ये देखिए हमारे गोल से टिक्की भी बन गई। इसी तरह हम सारी बनाएंगे। ये देखिए हमारे सारे कबाब बिल्कुल तैयार है। अब हम इनकी सजावट के लिए लेंगे कॉर्नफ्लावर। इसमें दो टेबल टू टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था। इसमें मैंने पानी डाल दिया तकरीबन दो टेबल स्पून, इसमें पानी डाला। और ये हैं ब्रेड क्रम्स। सबसे पहले हम इसमें डिप करेंगे, जिस तरह हम अंडे में डिप करते हैं उसी तरह सेम करना। इसमें हमने डिप किए और आयल हमने रख दिया। आयल हमारे गर्म हो गया अच्छे से, हम इसमें डालते जाएंगे। ज़्यादा हमने गर्म आयल नहीं करना, नीम गरम ही रखना। जब देखिए सारे कबाब हमने पैन के ऊपर रख दिए। अब हम इसे एक साइड को अच्छे से पकाएंगे, फिर दूसरी साइड चेंज करेंगे। एक साइड हमारी अच्छे से पक गई, हम इसे चेंज करेंगे। हम एक साइड चेंज करते हैं। अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। इसी तरह जिस तरह हमने पहले हमें बनाए इसी तरह हम ये वाले तैयार करेंगे। इस साइड हम जैसे पानी के इसे चेंज करेंगे पानी को। इसी तरह ही दूसरे साइड भी पका। ये देखिए हमारे अच्छे से पक गए हैं। जैसे ही पक गए एक दो मिनट के बाद हम इसे फ्लेम बंद करेंगे और इसमें निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे दोनों साइड अच्छे से पक गए। अब हमने
डाल लेंगे। ये देखिए हमारे आलू का कबाब बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसी ये रेसिपी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल लाइक तो मुस्कान को सब्सक्राइब कर दें। आलू के कबाब के साथ आप दही की चटनी भी ले सकते हैं, पुदीने वाली, और केचप भी ले सकते हैं। अगर आपने आपको घर पर केचप बनाना नहीं आता टमाटो केचप, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल लाइव मुस्कान में सर्च आ जाके टमाटो केचप सर्च करें तो आपको मिल जाएगी बहुत ही ईजी रेसिपी। आप इस आप उस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने घर में टमाटो केचप बनाएं। बाहर से बाहर की नस्बत आप अपने घर में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, अल्लाह हाफिज़ नेक्स्ट वीडियो में।